झारखंड जनगणना 2011 यानी कि झारखंड डेमोग्राफी 2011, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या तो फिर भारत सरकार के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊँगा झारखंड की जनगणना जो हुई थी 2011 उसके अनुसार से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये सब सारी जानकारियों को अभी हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं। तो झारखंड के जो है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ का जो जनसंख्या है वह है 3,29,88,134। तो यह आपको डाटा ध्यान में रखना है, जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या है 3,29,88,134। और इसमें अगर पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो वह है 1,69,30,315 और महिला जनसंख्या जो है वह है 1,60,57,819। और ये जो दोनों जनसंख्या है पुरुष और महिला की, ये है टोटल जनसंख्या का, पुरुष होता है 51.32 यानी कि 51.32% और महिलाएं जो है वह है 48.67% है, ये झारखंड की टोटल जनसंख्या का। तो ये दोनों आपको जानकर ध्यान रखना, कम से कम प्रतिशत याद रखना है क्योंकि आंकड़ा जो है वह बहुत बड़ा है तो आपको वो याद नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे प्रतिशत कितना है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं झारखंड की जनसंख्या जो है वह देश की कुल जनसंख्या का 2.73% है, यानी कि पूरे भारत देश में जितनी जनसंख्या है उसका अगर हम बात करते हैं झारखंड की जनसंख्या कितनी है तो वह है 2.73%। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। और दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल झारखंड का क्षेत्रफल है, तो इसका है ओनली 2.42% है झारखंड का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुल वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 में कितना हुआ है, उसका प्रतिशत कितना है। तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत 2001 से 2011 में तो यह हुआ है 22.34%, यानी कि 22.34% जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है जो कि 2001 से लेकर के 2011 में वृद्धि हुआ है झारखंड में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची, तो ये इंपॉर्टेंट है, रांची जिला जो है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, तो लोहरदगा सबसे कम और रांची सबसे ज़्यादा है। 2001 से 2011 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाला जिला कौन है, यानी कि इस 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो यह है कोडरमा। और 2001 से 2011 के दशक में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो यह है धनबाद। तो अगर जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत की बात करते हैं 10 सालों में तो कोडरमा है पहले नंबर पर, और सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाला जिला तो यह है धनबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है यह क्या है, तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व तो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 414 पीपल जो है वह प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं या पाए जाते हैं। तो ये जो है जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तब, तो ये इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। दोस्तों अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिला है वह है धनबाद, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, तो 1,316 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो 1,316, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसका जो डाटा है वो भी याद रखना है और साथ साथ जो जिला है वो भी याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो यह है सिमडेगा, तो वहाँ पे सबसे कम प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं और यह मात्र 159 यानी कि 159 लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से सिमडेगा जो है सबसे कम
जनसंख्या घनत्व वाला जिला है झारखंड का, और सबसे ज़्यादा है धनबाद, और धनबाद में 1316 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, वहीं सिमडेगा में 159 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी कि सेक्स रेशियो की। तो यहाँ पर झारखंड का सेक्स रेशियो है 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, यानी कि इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 1000 मेल, मतलब 1000 मेल में कितने फीमेल रहते हैं, तो यहाँ पे 1000 पुरुष पर 947 फीमेल रहते हैं, तो इसका जो लिंगानुपात हुआ है 947, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं झारखंड के शिशु लिंगानुपात की, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो है शिशु, उसका लिंगानुपात कितना है, तो हुआ है 948, यानी कि 948। तो झारखंड का जो लिंगानुपात है उससे केवल एक ज़्यादा है शिशु लिंगानुपात झारखंड में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो यह है पश्चिमी सिंहभूम, और जिसमें है 1005। तो ये 1000 पुरुष में 1005 स्त्रियां हैं या फीमेल हैं, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। तो ये आपको डाटा भी याद रखना है और साथ साथ जिला का भी नाम को याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो यह है धनबाद, और जिसमें है 909 फीमेल, यानी कि 909 महिला होती हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो गया धनबाद, और उसका जो डाटा हुआ है 909। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक में बात करते हैं लिंगानुपात तो पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम में बात करते हैं तो धनबाद। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट का, यानी कि साक्षरता दर का। तो झारखंड का साक्षरता दर है 67.63%, यानी कि 67.63% है यहाँ का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो यह है 76.48%, और महिला साक्षरता दर जो है वह है 55.4%। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। तो साक्षरता दर टोटल में बात करते हैं तो 67.63 है, यहीं से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना और पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो इसका हम लोगों को प्रतिशत में याद रखना है क्योंकि आंकड़ा हमें याद नहीं होगा। तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या है 75.05%, यानी कि लगभग 75% के बराबर ग्रामीण जनसंख्या है टोटल जनसंख्या में। वहीं अगर नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं टोटल जनसंख्या में, तो यह है 24.05%, यानी कि यह भी लगभग 24% के बराबर में है। तो ये दोनों प्रतिशत में आपको याद रखना है क्योंकि डाटा जो है वह बड़ा है तो आप लोगों को आसानी से याद नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा में यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, तो उसको हिसाब से भी देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे जो हिंदू जनसंख्या है कुल जनसंख्या का वह 68.6% है, यानी कि यहाँ पर अगर टोटल जनसंख्या की बात कर देते हैं उसमें अगर हिंदू धर्म मानने वाले हैं तो वे लोग हैं 68.6%। मुस्लिम जनसंख्या की बात करते हैं तो वह है 13.8%, ईसाई जनसंख्या 4.1%, सिख जनसंख्या 0.3%, और जैन धर्म की जो है जनसंख्या हुआ है 0.1%। तो ये सब जो है इसमें मानने वाले हैं, और इनकी जो है प्रतिशत में मैंने आप लोगों को बता दिया, हिंदू जो है 68.6%, मुस्लिम 13.8%, ईसाई 4.8%, सिख जो है 0.3%, और जैन जो है वो 0.1% यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, इम्पोर्टेंट जो डाटा थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड, तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 को शुरू हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और यह 1872 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, और इसके बाद 2001 में पहली बार झारखंड में अलग से जनगणना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 को तो यह बिहार से अलग हुआ, साथ ही साथ 2001 में पहली बार झारखंड में अलग से जनगणना हुई थी, इससे पहले संयुक्त रूप से बिहार के साथ में इसकी जनगणना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद करना है। दोस्तों भारत में जो है प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है, और इसी कारण 2001 के बाद में 2011 में जनगणना हुई है। तो भारत में प्रति 10 साल में जनगणना होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अभी जो है वर्तमान जनगणना जो 2021 में होना है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2001 के बाद 2011, फिर 2011 के बाद 2021 में जनगणना अभी होना है।
लेकिन हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है 2011 जनगणना में जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब सारी जानकारी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2001 की जनगणना का जो क्रम है वह है 15वां नंबर का, यानी कि 15th नंबर का यह 2011 का जनगणना था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें यह 7वां नंबर का है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था 1947 में, लेकिन उसके बाद जो जनगणना हुआ वह 1951 में हुआ था, और उसके बाद से अब तक यानी कि 2011 तक 7वां बार इसका क्रम है। और टोटल की बात करते हैं तो यह 15 नंबर का क्रम है 2011 का जनगणना। तो इतनी सारी आपको जानकारी है, ध्यान रखना। और अभी जो है 2021 में जनगणना होना है, इसका जो है डाटा भी आएगा, जब हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। तो इसी को आप लोगों को पूरे तरीके से ध्यान रखना है, 2011 जनगणना झारखंड का।